इंतहा हो गई इंतजार की, ये लाइन सबके दिमाग में चल रही होगी क्योंकि सब लोग वेट कर रिजल्ट का, यार नीट का रिजल्ट कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, ठीक है, और आएगा तो कब आएगा, काफी समय हो चुका है। तो ये डाउट को अपन लोग क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल। कल सबको पता है कि एक सीनियर रिपोर्टर है, ठीक है, जो जिनका कॉन्टेक्ट है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर, और उनकी रिपोर्ट 99% टाइम सही होती है। तो उन्होंने ये कहा था, लाइकली वर्ड यूज नहीं कर रहा, उन्होंने कहा था सीधा सीधा कि नीट रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड टुमारो ऑन 13th आफ्टरनून। तो आफ्टरनून रिजल्ट अनाउंस होना था और अभी तक रिजल्ट आया नहीं, ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि भैया रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। सेकंड, मणिपुर की आंसर की नहीं आई है, फाइनल आंसर की, तो क्या रिजल्ट डिले होगा और दो तीन दिन तक? देखो यार, जानना बहुत जरूरी है पहली चीज, ठीक है, जो तुम्हारा क्वेरी है कि रिजल्ट आज आने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। मैंने तो पहले प्रेडिक्ट किया था कि देखो, जब भी कोई एग्जाम होता है फेज टू का, उसके हफ्ते भर में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, और मैंने कहा भी था कि मंडे या ट्यूसडे रिजल्ट आ जाएगा। और पहली चीज समझो, एनटीए कभी प्री अनाउंस नहीं करता, ठीक है, कि रिजल्ट आ रहा है, कल तुम्हारा रिजल्ट है। तो मुझे जो लगता है पॉसिबिलिटी रिजल्ट की आज है, और अभी टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ वगैरह आ चुका है आर्टिकल जहां पे बताया गया है कि रिजल्ट तुम्हारा 10 PM पे होगा। ध्यान सुनना, तो कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है, वरना तुमसे रिजल्ट खुलेगा नहीं, ठीक है। तो 10 PM पे तुम्हारा रिजल्ट बोलने की मतलब बोला गया कि 10 PM पे रिजल्ट होगा और रिजल्ट आने की फुल पॉसिबिलिटी है। अब समझो, ठीक है, एनटीए क्या करता है ना, हमारे वक्त भी क्या कहता, सब जगह ये न्यूज थी, ठीक है, सब लोगों ने कहा कि सुबह आएगा, आफ्टरनून में आएगा, आफ्टरनून में आएगा, आफ्टरनून में आएगा, रिजल्ट शाम को 8 बजे रिलीज हुआ, ठीक है। हमारे वक्त भी यही था कि कहा कि सुबह रिलीज होगा, सुबह रिलीज होगा, और फिर न्यूज आई कि 10 बजे रिलीज होगा, 10 PM, ठीक है। और मैं चला गया था बाहर, ठीक है, सोचा कि गोलगप्पे खा लेता हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ पे फेमस वड़ा पाव मिलता है, महाराष्ट्र के जो पता होंगे, तो वड़ा पाव खाने चला गया था मैं। और जैसे ही मैं खा रहा था ना वो गोलगप्पे दाबेली वड़ा पाव, तो उतने में को मैसेज आया, रिजल्ट इज आउट, ठीक है, और मुझे फिर मैं तुरंत घर भगा, ठीक है, और रिजल्ट चेक के रास्ते में। तो ये टाइम था 8:30 का, समझ रहे हो, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है। अब ये क्या कर रहा है ना, जैसे ही ये पूरा रिजल्ट अब हो चुका होगा, सब कुछ साइंस वगैरह हो चुके होंगे, एवरीथिंग ऑफिशियल रेडी होगा, अब बस उसको अपलोड करना है। अब तुम देखना, आधे घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए, एक घंटे के लिए साइट डाउन हो जाएगी, जब भी रिजल्ट आएगा उसके आधे घंटे पहले साइट डाउन हो जाएगी पूरी, ठीक है, समझ जाए रिजल्ट आ गया, ठीक है। और जैसे ही साइट खुलेगी, ठीक है, जैसे ही साइट थोड़ा सा ठीक होगा, लोग क्रैश कर देंगे उसको, ठीक है। अब समझो, जो मणिपुर वाला केस था, मणिपुर देखो यार फेज टू में था, कम बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो उसकी जो आंसर की है फाइनल आंसर, क्योंकि फाइनल आंसर की जो होगी उसमें चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि उसको चैलेंज नहीं कर सकते अपन, ठीक है। तो फाइनल आंसर की जस्ट रिजल्ट से 10-15 मिनट पहले आ जाएगी या साथ में आएगी, कई बार हुआ है, जो फेज टू का एग्जाम होता है ना उसकी आंसर की और तुम्हारा रिजल्ट साथ में देते हैं, ठीक है। तो यही मोस्ट प्रोबेबली होगा कि अभी रिजल्ट तुम्हारा आएगा 10 बजे के आसपास, शायद 9 बजे भी आ जाए, शायद 11 बजे भी आ जाए, ठीक है। जितना वो मिडनाइट कर सकते हैं ना उतना मिडनाइट करते हैं, ताकि ट्रैफिक कम हो, लोग थक हार के सो जाएंगे, लोग थक हार के हवा निकल जाएंगे और रिजल्ट से दे देंगे, ताकि कुछ बच्चे देख ले पहले से, ठीक है। तो रिजल्ट मोस्टली आज ही आएगा, 10 PM टाइम दिया गया, होप करते कि आज तक की आगे आपको क्लैरिटी हो, जिन बच्चों को ड्रॉप लेना है वो ड्रॉप की तरफ जा सके, जिन बच्चों को काउंसलिंग में अटेंड करना है वो कर सके, जिनको कोई और कोर्स लेना है वो सब चीजें कर सके, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है, आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है कमेंट कर देना। हाँ, एक और चीज अपडेट, ठीक है, जो मैंने कहा तुम्हें कि बायोक्वेस्ट बैच ए का जो हम लोग सेशन था, जो जूम कॉल था, ठीक है, उसको मैं पोस्टपोन कर रहा हूं कल, रीजन बीइंग कि आज अगर रिजल्ट आता है तो आधे बच्चे तो इस माइंड में रहेंगे, कुछ खुश नहीं होंगे, तो अपन कल फ्रेश स्टार्ट करते हैं बायोक्वेस्ट बैच ए का जो जूम कॉल है अपना, जिसमें अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बायोलॉजी प्लान टेस्ट सीरीज, जो अपन पूरा क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करने वाले और क्या करना है आगे, और आपके पर्सनल क्वेरी भी लूंगा, ठीक है। और फिजिक्स क्वेस्ट भी ऑलमोस्ट हमने लॉन्च किया, बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स है, 2 दिन बाद में इसकी पहली बैच बनाऊंगा और बैचेस बनते रहेंगे, 350 से ग्रुप में बनेंगे, ताकि एटलीस्ट अपने 200 बच्चे ऐसे हो जो एक्टिव हो, जिनसे वो कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। भीड़ करेंगे फिर दिक्कत आएगी कि भीड़ में फिर वापस वही हो जाएगा, ठीक है। तो अपन 200-250 बच्चे एक साथ रहेंगे एक ग्रुप के अंदर, तो प्रॉपरली हम पढ़ पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, और एवरी मंथ आपका एक जूम कॉल भी होगा, और पहला जूम कॉल अभी हम लोग करने वाले होंगे, ठीक है, जैसे ये रिजल्ट आया था 2 दिन के अंदर, और बायो क्वेस्ट का कल होगा। तो जो बच्चे बायो क्वेस्ट में भी फिजिक्स क्वेस्ट में दोनों अटेंड करना, क्योंकि दोनों में अलग चीज डिस्कस है, ठीक है, ये फिजिक्स के डाउट्स डिस्कशन होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, प्लान ऑफ एक्शन होगा, ये बायो का प्लान ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। तो जो जो बच्चे हैं जिनको भी चाहिए, ठीक है, हमने डेडिकेटेड ग्रुप बना रखे अलग से बायो के लिए, ठीक है, फिजिक्स का ग्रुप बन रहा होगा, ऐड नोट कर लेना, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, सबसे मतलब तुम कह सकते हो कि बेस्ट प्राइस पे हमने दिया है, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन बैंक भी है, टेस्ट सीरीज भी है, एनसीईआरटी पे सवाल भी है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस है, सॉल्यूशंस भी है,
ठीक है, और बहुत सारा फ्री कंटेंट ऐप के ऊपर भी है, पीडीएफ वगैरह, और बहुत सारे पीडीएफ बनवा रहा हूं मैं, नोट्स, प्रीमियम नोट्स, ताकि आपको उससे हेल्प हो पाए। ठीक है, डाउनलोड कर लेना ऐप का, मैं लिंक दे रहा हूं, जिनको बायो क्वेस्ट में, फिजिक्स क्वेस्ट में एनरोल करना है कर लेना, बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि हम खुद इस पे वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई किसी के थ्रू वर्क करवा रहे, ठीक है, खुद काम कर रहे क्वेश्चंस पे, सॉल्यूशंस पे, एक एक चीज पे, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, रिजल्ट जैसे ही आता है मैं बता दूंगा आपको, अपडेट दूंगा लाइव आके या जैसे भी हो सके शॉर्ट्स के थ्रू। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।